सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ Redmi के Note 9 Pro Max के बारे में। दोस्तों ये फ़ोन जो है Redmi और Note 9 Pro Max, ये काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा फोन है Redmi की तरफ से। दोस्तों इस फोन में एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है जो काफ़ी लोगों को फेस करनी पड़ रही है और इसकी वजह से दोस्तों काफ़ी लोगों को दिक्कत भी हो रही है। दोस्तों अगर आपके फ़ोन में प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको समझ में आ सके कि मैं किस प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा हूँ और आप इसका कैसे सोल्यूशन निकाल सकते हो। दोस्तों वीडियो शुरू से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पहली बार आए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे मैं जब भी कोई वीडियो यूट्यूब पर डालूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको Redmi के Note 9 Pro की वो प्रॉब्लम बताता हूँ। दोस्तों Redmi के Note 9 Pro Max जो है, जो दोस्तों मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, आप देख सकते हो ये। दोस्तों इस फोन में एक छोटी सी प्रॉब्लम देखने को मिली है मुझे कि इसमें दोस्तों जो वाइब्रेशन है वो नॉर्मल मोड पर वर्क करता है। अगर आप इस फोन में अपने इस वाइब्रेशन मोड को स्ट्रॉन्ग पर लाना चाहोगे दोस्तों इसमें कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, आपको वाइब्रेशन चेंज करने का इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है। दोस्तों जो ये प्रॉब्लम है काफ़ी लोगों को फेस करनी पड़ रही है। मैंने अपने कई फ्रेंडों से पूछा जिनके पास Redmi और Note 9 Pro Max है, दोस्तों उनको भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। उनके फ़ोन में भी दोस्तों वाइब्रेशन का जो मोड है वो चेंज करने का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। दोस्तों मेरे पास Redmi Note 7 Pro भी है, उसमें दोस्तों अलग से ऑप्शन दिया गया है वाइब्रेशन को चेंज करने का, चाहे आप उसमें अपने वाइब्रेशन को स्ट्रॉन्ग ला सकते हो या फिर दोस्तों वीक लगा सकते हो या नॉर्मल लगा सकते हो। लेकिन दोस्तों Redmi के Note 9 Pro Max में ये कोई भी ऑप्शन में शो नहीं हो रहा है। दोस्तों अगर आपके फ़ोन में भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि किन किन लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है और कौन कौन इससे परेशान है। क्योंकि दोस्तों वैसे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वाइब्रेशन स्ट्रॉन्ग हो या नॉर्मल हो, बट दोस्तों जब भी हम ट्रैवल करते हैं और हमारा जो फ़ोन है पॉकेट में होता है दोस्तों हमारा जो कॉल आता है उसका पता नहीं लग पाता कि हमारे फ़ोन पर कोई कॉल आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि दोस्तों वाइब्रेशन होता है, उसी की वजह से हमारे फ़ोन पर जो कॉल आता है उससे हमें पता लग पाता है कि हमारे फ़ोन पर कोई कॉल आ रहा है, बट दोस्तों जब वाइब्रेशन ही नॉर्मल होगा तो हमें दोस्तों पता नहीं लग पाता है। स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन दोस्तों हमारा फ़ोन जो वाइब्रेट होता है तो उससे पता लग जाता है कि हमारे फ़ोन पर कोई कॉल आ रहा है या फिर मैसेज आ रहा है। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम है काफ़ी लोगों को फेस करनी पड़ रही है। अगर आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट जरूर करना जिससे दोस्तों जो Redmi कंपनी है जिससे दोस्तों उनको ये पता लग सके कि उनका जो फ़ोन है Redmi और Note 9 Pro Max इसमें दोस्तों काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिससे वो कोई ऐसा अपडेट भेजें जिससे दोस्तों ये प्रॉब्लम फिक्स हो सके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा कि मैं किस प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा था और कौन कौन दोस्तों इससे परेशान है, कितने लोग इससे परेशान हो सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, अगर वीडियो चलेगी तो लाइक उसे जरूर करना और अगर इसमें सुधारने की जाए तो प्लीज़ इसे सुधार कर लेना, क्योंकि मैं सारी वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलता है अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।